Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question objectives of research. मतलब research करने के क्या objectives होते हैं. सबसे पहला objective है to find out the solution to the problem. मतलब कि काफ़ी सारे problem जो होते हैं वो time and again हम लोग को face करने पड़ सकते हैं. जैसे मैंने आप लोगों को introduction video के अंदर advertising में बताया था कि किस तरीके से advertisement में जो नया media find out किया उसमें कुछ टाइम के बाद में प्रॉब्लम आने लग गया और फिर बाद में उसके लिए दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने लगे, फिर वो दूसरे सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम आने लग गया, फिर तीसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने लगे. तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो टाइम के साथ अराइज होते हैं और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रिसर्च किया जाता है. ना जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसर्च के अंदर यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है. डेटा किसके बारे में होता है, तो क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है और ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, उसके रीजंस के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है. डेटा कलेक्शन करना मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना. फिर बाद में ये जो डेटा है इसको एनालाइज किया जाता है. एनालाइज करना मतलब क्या होता है कि वो डेटा जो है उसका प्रॉपर टेबल बनाया जाता है. जैसे येस कितने लोग बोल रहे हैं, ना कितने लोग बोल रहे हैं, उसका प्रॉपर एक टेबल किया जाता है. और फिर बाद में वो डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है. इंटरप्रेट करना मतलब डेटा क्या कह रहा है. जैसे मैक्सिमम लोग येस बोल रहे हैं या मैक्सिमम लोग ना बोल रहे हैं, ये हम लोग को फाइंड आउट करने में डेटा जो हेल्प करता है उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं. और उसके बाद में फिर हमको प्रॉब्लम पता चलता है और फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेल जो काफी ज्यादा कम होते जा रहा था, इसके लिए फिर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया कि उनका जो सेल्स है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है. और फिर ये डेटा को उन्होंने एनालाइज करके उसके बेसिस पे उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया. तो इस तरीके से रिसर्च जो होता है वो कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. दूसरा है टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन. अगर हम लोग को किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है और ये इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं है, तो रिसर्च के थ्रू ये इंफॉर्मेशन हम लोग को अवेलेबल हो सकती है. अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिसर्च के थ्रू कलेक्ट की जा सकती है. जैसे कि कंज्यूमर को क्या अच्छा लगता है जिसको कंज्यूमर प्रेफरेंस बोलते हैं, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जैसे कि रिसेशन चल रहा है या इन्फ्लेशन चल रहा है. ओके, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, फिर बाद में ट्रेड पॉलिसी क्या है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में यहाँ पे रिसर्च हेल्प करता है. और ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसी भी मार्केटर के लिए या किसी भी बिजनेसमैन के लिए बिजनेस के डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करता है. जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंस, डिमांड, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, ये सारे इंफॉर्मेशन से हमको पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट बना के हम लोग को मार्केट में बेचना है. तो राइट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे बेच पाते हैं बिकॉज हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो मार्केटर ने डिसीजन लिया और प्रोडक्ट को टाइम पे मार्केट में लॉन्च किया, तो उसके वजह से उसके बिजनेस का ग्रोथ हुआ. तो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हासिल करने में यहाँ पे रिसर्च हेल्प करता है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द फ्यूचर प्रेडिक्शन. फ्यूचर प्रेडिक्शन मतलब क्या, फ्यूचर का अंदाजा लगाना. तो रिसर्च के थ्रू बिजनेसमैन जो होते हैं वो पास्ट का और प्रेजेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं और ये डेटा के बेस पे रिसर्चर जो फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं. जैसे कि सपोज किसी भी बिजनेसमैन को या मार्केटर को मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए वो मार्केट रिसर्च करेंगे जहाँ पे वो लोग कस्टमर के पास से डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे वो लोग अपने प्रोडक्ट का फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे कि आगे जाके मेरे प्रोडक्ट को कितना डिमांड होगा. अगर सपोज वो इन्फॉर्मेशन से उनको ये पता चलता है कि आगे जाके मेरे प्रोडक्ट के लिए काफी ज्यादा डिमांड होगी, तो वो नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में लॉन्च करेंगे. पर अगर उनको ऐसे लगा कि आगे जाके मेरे प्रोडक्ट के लिए कोई डिमांड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो लोग वो प्रोडक्ट को बना के मार्केट में लॉन्च करेंगे नहीं. तो प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है कि नहीं, या मेरे प्रोडक्ट का आगे जाके किस तरीके से परफॉर्मेंस होगा, तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन करने में रिसर्च जो है वो बिजनेसमैन को हेल्प करता है. नेक्स्ट है टू डेवलप द न्यू टूल्स एंड कॉन्सेप्ट. नाउ काफी सारी चीजें जो होती है वो अननोन होती है और ये अननोन चीजों को जानने के लिए रिसर्च जो होता है वो नए नए टूल्स और कॉन्सेप्ट जो होते हैं डेवलप करने में हेल्प करता है. इसके लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की वजह से हम लोग को नए इंसाइट्स पता चलते हैं, मतलब नई नई चीजें जो उसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे न्यूटन जो है वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल जो है वो टूट के नीचे पड़ा और उसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है उसका इन्वेंशन किया. तो ये नया टूल और कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. उसी के साथ साथ अगर सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि यूज ऑफ मोबाइल फोन और मार्क्स इन एग्जाम इसमें रिलेशन है कि नहीं, तो रिसर्च करके मैं ये दोनों में रिलेशन है कि नहीं फाइंड आउट करूंगा. मैं लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा मोबाइल यूसेज के बारे में और एग्जाम में मार्क्स के बारे में,
और वो डेटा के बेसिस में मैं ये दोनों में रिलेशन है या रिलेशन नहीं है वो रिसर्च करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर में रिलेशन है कि नहीं, तो मैं लोगों को पूछूंगा कि आपकी इनकम कितनी है और आप कितना एक्सपेंडिचर करते हो, तो मुझे पता चलेगा कि ये दोनों में कितना रिलेशन है, बहुत ज़्यादा रिलेशन है या बहुत कम रिलेशन या बिल्कुल रिलेशन नहीं है। ये सुनो, तो ऐसे अलग अलग नई चीजें हम लोग को फाइंड आउट करने में रिसर्च हेल्प करता है। और लास्ट वाला है टू वेरीफाई एंड टेस्ट द एग्जिस्टिंग लॉज एंड थियरीज। इसका मतलब है कि बहुत सारे लॉज और बहुत सारे थियरीज जो है वो काफी सारे लोगों ने डेवलप किए हुए हैं, और ये लॉज और थियरीज आज के टाइम में कितना रिलेवेंस होल्ड करती है या कितनी वैलिड है ये फाइंड आउट करना भी बहुत जरूरी है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड जो अल्फर्ड मार्शल ने काफी सालों पहले बनाया था, तो ये लॉ ऑफ डिमांड आज एप्लीकेबल है कि नहीं, कि इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, ये फाइंड आउट करने में रिसर्च हेल्प करता है। जैसे कि अल्फर्ड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड में बोला था, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। पर आजकल कैसे हो गया कि अगर सपोज कोई नेसेसरी चीज है जैसे दवाई खरीदनी है, तो ऑब्वियसली उसमें प्राइस नहीं देखा जाता है, भले ही हाई प्राइस रहेगा तो भी लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। या कभी कभी इंसान जो होता है काफी ज्यादा हैप्पी मूड में होता है, और हैप्पी मूड में होने की वजह से भले ही कितना भी चीजों का दाम ज्यादा रहेगा फिर भी वो प्रोडक्ट को वो कस्टमर परचेज करेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड आज के टाइम पे ऑब्वियसली एप्लीकेबल है, बट उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और उस हिसाब से वो थ्योरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। मतलब पुरानी चीजों को एज इट इज अडेप्ट नहीं करना है, पुरानी चीजों जो है उसमें कुछ चेंजेस हम लोग को करने हैं, बिकॉज पुराने टाइम पे वो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती थी, अभी के टाइम पे उसमें थोड़े से चेंजेस करना जरूरी है और उसके बाद में उसको यूज करना जरूरी है। ओके, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तभी सिचुएशन अलग थी, और वो सिचुएशन को ध्यान में रख के उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। पर आजकल के टाइम पे सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो सेम तरीके से जो भी हमारे पुराने लॉज है और थियरीज है वो आज के टाइम पे कितना रिलेवेंस होल्ड करते हैं, ये भी रिसर्च के थ्रू यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है। सो दीज वेर ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ये मेरे URL है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।